ब्राह्मण कल्याण परिषद द्वारा ब्राह्मण समाज के आराध्य देव भगवान परशुराम जयंती पूजा अर्चना मंत्रोच्चारण के साथ घर पर मनाई। देश में फैली कोरोना महामारी से लॉकडाउन के कारण ब्राह्मण कल्याण परिषद के सभी पदाधिकारियों ने ऑनलाइन मीटिंग कर यह निर्णय लिया था कि प्रत्येक ब्राह्मण परिवार 25 अप्रैल को भगवान परशुराम जयंती अपने स्वनिवास पर पूजा अर्चना के साथ मनाएगा। ब्राह्मण कल्याण परिषद के संयोजक अनिल तिवारी व शहर अध्यक्ष धर्मेंद्र दीक्षित ने बताया कि ब्राह्मण परिवारों ने अपने निवास पर पुरुष वर्ग भगवा वस्त्र पहनकर व मातृशक्ति पीले वस्त्र पहनकर सपरिवार साय 6:30 बजे भगवान परशुराम जी की आरती व फरसे का शस्त्र पूजन किया और साथ ही 5 दीपक सरसों के तेल के और 5 दीपक घी के जलाकर कर शंखनाद कर भगवान परशुराम की आरती कर और अंत में भगवान की स्तुति के साथ मंत्रोच्चार किया। ब्राह्मण कल्याण परिषद के शहर अध्यक्ष धर्मेंद्र दीक्षित, उपाध्यक्ष पंकज शर्मा ने जरूरतमंद विप्र परिवारों को सुखी खाद्य सामग्री भेंट कर भगवान परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी। ब्राह्मण बंधुओं ने घर के आसपास जरूरतमंद 2 परिवार को भोजन कराया। बेजुबान पक्षियों के लिए महिला उपाध्यक्ष शीला तिवारी, राजेश तिवारी, प्रीति तिवारी, जागृति, खुशी ने परिंदे बांधकर परिवारजनों को परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी। पंडित पुरुषोत्तम पंचोली जी ने भगवान परशुराम वाटिका में जाकर दुग्ध अभिषेक पूजा अर्चना की। उपाध्यक्ष पंकज शर्मा ने जानवरों को चारा पानी की व्यवस्था कर सेवा का कार्य किया। ब्राह्मण बंधु मित्रों को भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के संदेश प्रेषित किया। इस अवसर पर ब्राह्मण कल्याण परिषद अनिल तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष सीताराम शर्मा, संभाग अध्यक्ष ब्रजराज गौतम, शहर अध्यक्ष धर्मेंद्र दीक्षित, संभागीय महिला अध्यक्ष डॉक्टर शीला तिवारी, कोटा शहर महिला अध्यक्ष रिंकू शर्मा, प्रदेश महामंत्री ब्रजेश कांत शर्मा, जिला प्रभारी दिनेश शर्मा, प्रमुख महामंत्री डॉक्टर मनोज शर्मा, पुरुषोत्तम शर्मा, मनोज शर्मा, हर्षित गौतम, समाज सेवक अरुण भार्गव, डॉक्टर जगदीश शर्मा, पीड़ित पुरुषोत्तम पंचोली ने अपने घर पर भगवान परशुराम की आरती कर भगवान परशुराम से विश्वव्यापी कोरोना महामारी के विनाश, सभी को स्वस्थ रखने, विश्व शांति और विश्व जन कल्याण की कामना के साथ भगवान परशुराम की मंत्र उच्चारण के साथ स्तुति की। ब्राह्मण कल्याण परिषद के पदाधिकारी घनश्याम पाठक, चेतन पांड्या, अशोक मिश्रा, वैभव गौतम, एडवोकेट आशीष भारद्वाज, प्रदीप शर्मा, भरत शर्मा, ब्रजेश आसोफा, श्याम शर्मा, नलिन शर्मा, अनिल शर्मा, नवर शर्मा, उमाकांत शर्मा, नरेंद्र शर्मा, सुनील शर्मा, पंकज शर्मा, ईशु दुबे, जगदीश शर्मा, मनोज गौतम, मंडल अध्यक्ष सतीश शर्मा, नवर शर्मा, पंडित राम बाबू शर्मा, अजय गोड़, सार्थक शर्मा, उमेश गौतम, प्रमोद जोशी, चंदन शर्मा, पीड़ित बुद्धि प्रकाश तिवारी, पंडित राजकुमार संतोषी, अंशुल तिवारी, पंडित रोहित गौतम, मामा ब्रिजवासी, हेमेंद्र शर्मा, अजय शर्मा, चेतन शर्मा, अमित शर्मा, सहदेव शर्मा आदि पदाधिकारियों ने अपने घर पर भगवान परशुराम की आरती कर भगवान परशुराम से विश्व शांति और विश्व जन कल्याण की कामना के साथ भगवान परशुराम की मंत्र उच्चारण के साथ स्तुति की।